हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर फंड लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग कोरोना से बचाव और रोकथाम जैसे उपयोगों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा रहा है। कोरोना से राहत से संबंधित उपायों के लिए 7,690 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए गुरुवार को हुए मतदान की कुल 60.17% वोट पड़े। वर्ष 2017 में चुनाव में इन सीटों पर कुल 63.47% मतदान हुआ था। पिछले चुनाव से इस बार करीब 3.3% मतदान कम हुआ। सर्वाधिक 69.42% मतदान शामली जिले में हुए हैं। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के मुद्दे पर गुरुवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार को सुनवाई के लिए 3 जजों की एक पीठ का गठन किया था, जिसमें वो खुद भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की ओर से दाखिल अवमानना मामले में सजा सुनाने से पहले गुरुवार को भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को अपने समक्ष पेश करने का अंतिम मौका प्रदान किया है। इस मामले में माल्या को दोषी पाया गया था। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि अदालत ने माल्या को अवमानना का दोषी पाया है और उसे दंड सुनाना होगा। कोरोना वैक्सीन विकसित करने और उसके उत्पादन के क्षेत्र में भारत दुनिया का सुपर पावर बनने के करीब है। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कही है। उन्होंने बताया है कि टीकाकरण के योग्य देश की 96% आबादी को अभी तक वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 75% से ज्यादा लोगों को 2 खुराक दी जा चुकी है। नौसेना के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी की सीबीआई जांच से पता चलता है कि भारतीय नौसेना का अनुबंध हासिल करने के लिए यूक्रेन और रूस की कंपनियों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है। जांच के दौरान दुबई स्थित एक कारोबारी एजेंसी की निगरानी पर आया इस कारोबारी ने कथित रूप से दुबई से सेवानिवृत्त नौसैनिक अधिकारी रणदीप सिंह के लिए पैसा भारत तक पहुंचाया था। सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वो जमानत से बाहर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल में ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि छात्र स्कूलों और कॉलेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश जारी किया जाए। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भारत सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच पुणे से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पुणे स्थित जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल की ओर से भारत का पहला घरेलू मैसेंजर आरएनए कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम होने के साथ ही सरकार ने पाबंदियों में ढिलाई देनी शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी से देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्टों पर कोविड-19 जाँच रिपोर्ट आने के बाद 7 दिनों की अनिवार्य आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 60 अमेरिकी डॉलर की लागत से बने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और ग्वादर बंदरगाह के बारे में पश्चिमी देशों के संदेह को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास के लिए एक महान अवसर है। ये जानकारी गुरुवार को सरकारी मीडिया की ओर से दी गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।